आज के इस वीडियो में मैं नई वाली Hyundai Grand Itinios का जो बेस मॉडल है एरा, इसको कंपेयर करूंगा मारुति सेलेरियो का जो बेस मॉडल है एलेक्साई इसके साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले प्राइस कंपैरिजन करें तो सेलेरियो की एक शोरूम कॉस्ट रहेगी 5.25 लाख रुपए, जबकि Itinios की अभी तक प्राइस रिवील नहीं हुई है। पुरानी जो मॉडल है उसकी कॉस्ट रहेगी 5.54 लाख रुपए, तो इसी के आसपास आपको नई वाली ग्रैंड Itinios का बेस मॉडल एरा भी देखने में मिल जाएगा। मतलब आपको सेलेरियो से थोड़ा पैसा ज़्यादा चुकाना पड़ेगा Nios के लिए। तो ये जो ज़्यादा पैसा आप चुका रहे हो, क्या ये Nios को जस्टिफाई करेगा? आइए बाकी के पॉइंट्स में जान लेते हैं। इंजन डिटेल्स की बात करें तो सेलेरियो में आपको मिलेगा 1 लीटर 3 सिलेंडर ड्यूल जेट ड्यूल वीपीटी पेट्रोल इंजन, जो 66 BHP के साथ 89 Nm टॉर्क पैदा करता है। 5-स्पीड मैनुअल के साथ आपको 25+ KMPL का माइलेज क्लेम करा जाता है। Nios में आपको मिल जाएगा बेहतर 1.2 लीटर 4 सिलेंडर कापा पेट्रोल इंजन, जो 82 BHP के साथ 114 Nm टॉर्क पैदा करता है। 5-स्पीड मैनुअल के साथ 20.7 KMPL का माइलेज आपको मिल जाता है क्लेम्ड। तो सेलेरियो के मुकाबले Nios में आप जो एक्स्ट्रा पैसा चुका रहे हो वो इंजन डिपार्टमेंट में ही आपको जस्टिफाई करवा दिया जा रहा है। आपको Nios में एक बेहतर 4 सिलेंडर वाली और ज़्यादा पावरफुल वाली इंजन मिल जाती है। डायमेंशन की बात करें तो सेलेरियो लेंथ वाइज 120 mm छोटी है, विड्थ वाइज 25 mm छोटी है, हाइट 35 mm ज़्यादा है, व्हील बेस 15 mm कम है, ग्राउंड क्लियरेंस 5 mm ज़्यादा है, बूट बेस 53 लीटर ज़्यादा है, टायर साइज इक्वल है। तो डायमेंशन को अगर कंपेयर करें तो सेलेरियो के मुकाबले Nios में आपको काफ़ी बेहतर फ्रंट रो और सेकेंड रो मिलने वाली है। सेकेंड रो में आपको काफ़ी बढ़िया केबिन स्पेस मिलेगी, ये Nios की एक प्लस पॉइंट है। उसके साथ साथ आपको ठीक ठाक बूट स्पेस मिल जाएगी। बूट स्पेस के मामले में सेलेरियो बेहतर है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि Nios में आपको बूट स्पेस मिलेगा ही नहीं। बूट स्पेस में भी आपको ठीक ठाक बूट स्पेस Nios ऑफर कर देती है। उसके साथ साथ आपको व्हील बेस भी थोड़ा ज़्यादा ही मिलेगा Itinios में। कॉम्फर्ट फीचर की बात करें तो सेलेरियो में मिल जाएगा आपको मैनुअल AC, बॉडी कलर्ड बम्पर्स, क्रोम ग्रिल, पावर स्टीयरिंग, फ्रंट एक्सेसरी सॉकेट और आइडियल स्टार्ट स्टॉप फंक्शन। Nios में मिल जाएगा LED टेल लैंप, बॉडी कलर्ड बम्पर्स, फ्रंट रूम लैंप, फ्रंट एंड रियर डोर मैप पॉकेट्स, रिमोट कीलेस एंट्री, इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग, मैनुअल AC, फ्रंट पावर विंडोज और फ्रंट पावर आउटलेट। तो सेलेरियो के मुकाबले आप लोग देख ही सकते हो Nios के बेस मॉडल में आपको काफ़ी बेहतर कॉम्फर्ट फीचर ऑफर कर दिया जाता है। सेफ्टी फीचर की बात करें तो सेलेरियो में आपको मिल जाएगा ड्यूएल एयर बैग्स, ABS UTVD, सीट बेल्ट रिमाइंडर, फ्रंट सीट बेल्ट प्रिटेंशनस विथ लोड लिमिटर, चाइल्ड लॉक रियर डोर्स और रियर पार्किंग सेंसर। Nios में आपको मिलेगा क्वाड एयर बैग्स, ABS UTVD, फ्रंट सीट बेल्ट प्रिटेंशनस, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, इम्पैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, रियर पार्किंग सेंसर, फ्रंट सीट बेल्ट रिमाइंडर और हाई स्पीड अलर्ट जैसे सेफ्टी फीचर। तो सेफ्टी फीचर में आप देख सकते हो Nios को अपडेट करने के बाद काफ़ी सारे नए सेफ्टी फीचर आपको Nios में मिल जाती है, जो किसी भी और दूसरी हैचबैक में अभी फिलहाल नहीं मिलता। तो कॉन्क्लूजन की बात करें तो आपको प्रेफर कौन सी करनी चाहिए? तो देखो, अगर आप लोगों ने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो हर एक पॉइंट में ग्रैंड Itinios बेहतर हो जाता है सेलेरियो के मुकाबले। आपको एक बेहतर 4 सिलेंडर वाली ज़्यादा पावरफुल वाली इंजन मिल जाता है, ज़्यादा केबिन स्पेस वाली आपको एक गाड़ी मिलती है, ज़्यादा कॉम्फर्ट फीचर वाली भी आपको एक प्रोडक्ट मिल जाता है और उसमें ढेर सारे नए सेफ्टी फीचर भी एड ऑन कर दिए गए हैं, जो Nios को एक रियली बेटर प्रोडक्ट बनाता है मारुति सुजुकी सेलेरियो के मुकाबले। तो सेलेरियो खरीदने का पैसा अगर आपके पास हो तो आप थोड़ा और बजट बढ़ाकर ग्रैंड Itinios की तरफ जाओ, ये बेटर प्रोडक्ट है मारुति सुजुकी सेलेरियो के मुकाबले। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।